सभी का नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना तोले किसी भी वस्तु का हम वजन कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो वस्तु है उसका आयतन पता होना चाहिए, उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम पता करने के बाद हम उसका जो वजन है, वेट है या मास है, वो हम निकाल सकते हैं। तो इसमें इसको समझाने के लिए मैंने लिया है स्टेनलेस स्टील का एक पाइप लिया है, जिसकी जो थिकनेस है वो 2 मिलीमीटर है और जिसका आउटसाइड डाया 40 मिलीमीटर और इनसाइड डाया 36 मिलीमीटर और 2 मीटर की इसकी लेंथ है। तो पहले तो हम इसको सारा जो इसका डाटा है, जो पहले मटेरियल लिखेंगे हम इसका, स्टेनलेस स्टील का पाइप है ये। उसके बाद इसका आउटसाइड डाया, आउटसाइड डाया इसका, इसको कैपिटल डी से डिनोट करेंगे 40 मिलीमीटर और इनसाइड डाया इसका, इसको स्मॉल डी से करेंगे 36 मिलीमीटर और इसकी लेंथ ऑफ पाइप है, जो कितने लेंथ का पाइप लिया हमने, 2 मीटर का। अब जैसे हमने इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए जो इसके सारे यूनिट है वो सारे एक जैसे होने चाहिए। जैसे इसके जो डायमीटर है और ये लेंथ है, ये जैसे लेंथ मीटर में है तो इसको भी हम मीटरों में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 मिलीमीटर से जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे 40 को, तो ये आ जाएगा 0.04 मीटर। और ऐसे ही 36 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.036 मीटर आ जाएगा। तो जैसे हमारे पास सारे मीटर में कन्वर्ट हो गए, अब इसका हम आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है पाई आर स्केयर एच होता है, पाई आर स्केयर एच, और क्योंकि इसमें डायमीटर दिया हुआ है तो पाई की वैल्यू जो होगी 3.14 और इसका इसका जो डायमीटर है, इसका जो पहले का जो रेडियस निकलेगा इसका, तो रेडियस निकाल लेंगे हम इसका, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 0.04 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 मीटर, और ऐसे ही इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.018 मीटर, ये इसके रेडियस आ जाएंगे। तो इस रेडियस में से ये रेडियस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 0.02 का स्केयर माइनस 0.018 का स्केयर, और जो इसकी हाइट है वो लेंथ मानेंगे हम इसको, तो ये आ जाएगी 2। तो ऐसे हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, तो ये आ जाएगा 0.0004 और ये आ जाएगा 0.000324 और मल्टीप्लाई में 2 और इधर पाई 3.14। तो जैसे हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 0.00076 मल्टीप्लाई 2, और जब हम इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.00047728 आ जाएगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेट मान लेंगे 0.00048 मीटर क्यूब। तो इसके बाद जैसे हमने इसका वेट कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें डेंसिटी का पता होना चाहिए। तो जो डेंसिटी का फार्मूला होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, किसी भी चीज का जो मास है और उसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमारे पास आ गई है, ये वॉल्यूम कैलकुलेट हो गई है। तो डेंसिटी हमें हर जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी गिवन होती है, तो उसका उसको हमने जो इसकी डेंसिटी की टेबल है उसमें देख लेना है, या गूगल से जैसे सर्च करके देख लेते हैं हम। तो इसमें जो स्टेनलेस स्टील की जो डेंसिटी होती है वो होती है 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब की जो एवरेज जो डेंसिटी होती है, 1 मीटर क्यूब में 8000 किलो वेट होता है। तो इसको जब हम यहां पे जैसे इसका मास निकालेंगे तो मास का हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो डेंसिटी होगी इसकी 8000 और वॉल्यूम आई है इसकी 0.00048। तो इसको जो हम जब 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वेट,
3.84 केजी आ जाएगा, 3.84 केजी। अब जैसे जो स्टेनलेस स्टील है उसका जो रेट है अप्रोक्सीमेट 230 रुपए है आज की डेट में, इसके आसपास कभी 5-10 कम या ज्यादा होता रहता है, तो 230 रुपए के हिसाब से अगर जो हम इसको मानेंगे तो इस जो पाइप का अगर जो हम प्राइस भी निकालना चाहते हैं तो इसका जो रेट है, रेट हम मान लेंगे इसका रेट, तो रेट ऑफ स्टील 230 रुपीज पर केजी। तो ऐसे हम इसका प्राइस, जो पाइप का प्राइस निकालना चाहेंगे तो इसका 3.84 केजी इसका वेट है और इसको हम 230 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 883 रुपए के लगभग इसका प्राइस आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो ये हम इस प्रकार इसका जो कोई भी चीज है, जो चाहे वो स्टील की है, चाहे माइल्ड स्टील की है या अदर मटेरियल की है, तो उसका हम ऐसे वॉल्यूम निकाल के तो उसका जो वेट भी निकाल सकते हैं और उसके वेट या मास निकाल सकते हैं। तो ये जो मैं वेट और मास आपको दो चीजें बोल रहा हूं, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि जो हमारा वेट होता है वो एक्चुअल में फोर्स होती है। जैसे मान लो पृथ्वी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे मास से तो तब हमारा वेट निकलता है, क्योंकि मास जो होता है वो हर जगह पे एक जैसा ही रहता है। वेट होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है वेट। तो इसको मैं आपको समझा देता हूं, जो फोर्स होती है हमारे पास जो एम ए होती है और जो वेट होता है हमारे पास एम जी होता है। वेट जो फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, और जो वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी होता है। तो मास जो हमारा होता है वेट बटे ग्रेविटी, तो वेट बटे ग्रेविटी। या मास को जब हम मास को मान लो किसी चीज का मास है जो वो 2 केजी है और 9.8 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19.6 ये न्यूटन, 19.6 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि हम अर्थ पे जो हमारा मास होता है और वेट होता है उसको एक ही हम कैलकुलेट करके चलते हैं। अगर हमने उसी चीज को अलग जगह पे ले जाना हो, जैसे मून पे लेके जाएंगे हम उस चीज को, तो मून पे जो 1.6 जो ग्रेविटी है, जैसे अर्थ पे 9.8 है तो मून पे ये 1.6 होगी, मतलब इतना कम वेट हो जाएगा। और अगर इसकी बजाय अगर जुपिटर पे जाते हैं तो उस पे 25 की रहती है, मतलब जो उसी चीज का वेट उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो वेट का और मास का ये डिफरेंस रहता है। तो जिस प्रकार मैंने आपको मेनली जो फार्मूला बताया, इसी प्रकार हम किसी भी वस्तु का जो वेट निकाल सकते हैं, चाहे वो ऐसे हालो में है, चाहे वो सॉलिड में है, या मान लो कोई क्यूब है, मान लो ये कोई क्यूब है, इसका निकालना हो क्यूब या क्यूबॉइड या जो भी है, अगर जो क्यूबॉइड होगा तो इसकी जो लेंथ, जो ब्रेथ और हाइट वगैरह, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के बाद जो क्यूब ये कौन से मटेरियल का है, मतलब माइल्ड स्टील का है या कास्ट आयरन का है या प्लास्टिक का है, किसी भी चीज का है, तो हम उसकी डेंसिटी देख करके, डेंसिटी को हम इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके जो इसका वो वेट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी वस्तु का वेट निकाल सकते हैं। आशा है आपको इसके बारे में, जैसे मैंने इसके हेडलाइंस में बताया था कि बिना तोले किसी भी वस्तु का आप कैसे वेट निकाल सकते हैं, तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि हर इंडस्ट्रीज में अगर आप जो टेक्निकल लाइन से हो तो आपको कोई भी जैसे वहां पे पूछ सकते हैं कि इंटरव्यू में कि आप इस चीज का, मान ले कोई वस्तु वहां रखी हो तो इसका वेट कैसे निकालोगे, तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो आप बिल्कुल उनसे वो तराजू की मांग करोगे कि वेट जो बैलेंस हमें वो दो, हम उससे निकाल के बताते हैं, पर वहीं से उनको समझ में आ जाएगा कि इनको इसकी नॉलेज नहीं है। तो जब आप उसकी डायमेंशन चेक करने लग जाओगे तो इसका मतलब उन्हें पता लग जाएगा कि डायमेंशन चेक कर रहा है, तो इसको पता है कि हम केवल डायमेंशन चेक करके उसका वॉल्यूम निकाल के फिर उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके उसका वेट निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही,
और इसके इसी से संबंधित जो मैं एक वीडियो आगे बेंडिंग वो पाइप में उसकी कॉस्ट निकालने के लिए जो बना रहा हूँ, तो उसको भी आप विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। मान लो इसी पाइप को हमने बेंड किया हुआ है कंपनी में, जैसे बेंडिंग पाइप यूज होते हैं, तो हमने इस पाइप को बेंड किया है, तो हम इसकी कैसे कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि कितना कॉस्ट का जो पाइप है और कितने का हमें पड़ेगा। तो इस प्रकार हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, जो कॉस्टिंग वाले होते हैं, साइज से या डायमेंशन से या वॉल्यूम से रिलेटेड होते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।